सो दिल्ली से द्वारकाधीश के लिए हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रीत दुबे ब्लॉग्स पे ये जो यात्रा कर रहे हैं हम, इसकी डेट नहीं बताएंगे बिकॉज हमारा जो टाइमिंग है वो वीडियो डालने का ज़्यादातर मिसमैच हो जाता है, तो इसलिए हम ये यात्रा डे वन डे टू डे थ्री के नाम से डालेंगे। डेट इसमें मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज टाइमिंग का कोई पता ही नहीं है वीडियो कब पब्लिश हो, और भी बहुत सारे चैनल हैं उनका वर्कलोड रहता है। बट आज का जो वीडियो है वो हमारी कोविड 2020 RXL जो कि बेस मॉडल है उसमें सबसे लॉन्ग ड्राइव आज हम करने वाले हैं, जो कि द्वारकाधीश के लिए है, दिल्ली से द्वारकाधीश। उसमें हम उदयपुर आज रात स्टे करेंगे एंड नेक्स्ट डे वाले वीडियो में हम आपको उदयपुर से आगे की जर्नी दिखाएंगे। तो आज हम लोग दिल्ली से निकल चुके हैं और ये यात्रा हम नवंबर में कर रहे हैं 2024। अभी माता पिता जी साथ हैं, लड्डू गोपाल जी भी आप देखेंगे, ये लड्डू गोपाल जी हैं, पीछे अनामिका जी, माता जी और छोटू। चलो बढ़ते हैं आगे। लेट काफ़ी निकले हैं हम लोग, 11:30 हो गए हैं, तो लेट ना निकलें जब भी दिल्ली से निकलें भाई, मॉर्निंग में निकल जाएं या फिर रात को निकलें। तो ट्रैफिक अभी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे भी लगभग यहाँ से धौलाकुआ जाते जाते 40-45 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि रजौरी गार्डन से हैं हम लोग। अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। 60,212 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, चार धाम की यात्रा इससे की है, काठमांडू एक बार इससे गया हूँ, सारे ब्लॉग इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। सबसे बेस मॉडल है, लोग इसको बहुत घटिया गाड़ी बोलते हैं, बट हमने इसको जो यूज़ किया है 60,000 किलोमीटर में, जीरो मेंटेनेंस, कार में कुछ भी हमने अब तक इंस्टॉल नहीं करवाया, जिससे मतलब जैसे कोई पार्ट ख़राब हुआ हो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो गाड़ी का रिव्यू ओके है, बट इसको अंडर 100 ही चलाएँ क्योंकि इसके अंदर एक ही एयरबैग है, तो सावधानी बरतेंगे तो ये गाड़ी मुझे लग रहा है बेस्ट है। सिटी के लिए तो मैं रिकमेंड करता ही हूँ, हाईवे पे भी मैंने ड्राइव किया है, एक्सप्रेस वे पे भी किया है, तो मतलब एक अल्टीमेट रिस्पॉन्स है। अंडर 5 लाख मैं बोलता हूँ कि ये गाड़ी बेस्ट है, और एवरेज भी 20-22 का आपको दे देती है। अभी जीरो है पेट्रोल, मैं पेट्रोल डलवाऊँगा, मीटर आप देख सकते हैं, फिर लास्ट में हम दिखाएंगे आपको। ट्रैफिक के नज़ारे आप देख सकते हैं, अच्छे खासे ट्रैफिक में हम लोग फंस चुके हैं। ये देखो लड्डू गोपाल जी हमारे, इनके साथ ही हमने सारी यात्राएँ की हैं, तो ये हमारे साथ ही रहते हैं। अब आगे का देखते हैं क्या ट्रैफिक है। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डल गई है भैया 2051 रुपए की, और ये टंकी हो गई है फुल। हम लोग धौलाकुआ वाले पेट्रोल पंप से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ट्रैफिक भगवान की कृपा से अभी तो कम है, बाकी आगे देखते हैं। तो भाई अभी हम लोग महपालपुर पे हैं, हल्का सा यहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे थोड़ा सा जाम है, आई थिंक जो लेफ्ट कट है उसकी वजह से, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। फाइनली जो ट्रैफिक वाला एरिया था एयरपोर्ट तक का, महपालपुर तक का क्रॉस कर चुके हैं, MCD टोल की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक उतना हैवी नहीं मिला, थोड़ा मिला, 2-4-5 मिनट स्लो वाला, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी ये जो ओल्ड वाला हाईवे था यहाँ से हमें लेफ्ट कट दिखा रहा है, जो कि हमें किसी नए हाईवे से कनेक्ट करके ये वाया जयपुर आई थिंक लेके जाएगा हमें। तो भाई अभी आप देखेंगे हम इस मुंबई वाले हाईवे पे चल रहे हैं, आई थिंक ये नया ही बनाया एक्सप्रेस वे है, बड़ौदरा तक जाता है, तो इस पर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे हमें ट्रैफिक पुलिस वाले भी मिले, बट डॉक्यूमेंट हमारे सारे कंप्लीट हैं, सो वी हैव नो इश्यू अबाउट द लीगल डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई कैसा रहेगा सफ़र। भाई अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली बड़ौदरा मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर, और अब गाड़ी चलेगी भाई धुआंधार। ये देखो तो मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला टोल आ चुका है, थोड़ा सा सेल्फी सुल्फी मुंबई हाईवे पे भी चेंज हो गई है भाई, माता पिता जी पीछे, अब अनामिका जी आगे आने वाली हैं और एक लंबा ड्राइव खींचने वाले हैं हम लोग। अभी भाई हम लोग जयपुर से 100 किलोमीटर पीछे हैं इसी एक्सप्रेस वे पे, और व्यू बहुत अच्छा है इस एक्सप्रेस वे का। ये देखो पहाड़ियाँ हैं साइड में और मस्त रोड, और स्पीड भी 120 किलोमीटर पर और बोल सकते हैं, या हम बोलेंगे 120 की लिमिट है। तो ये जो हाईवे है मुझे लग रहा है मैंने जो ड्राइव किया है उसमें ये पहला हाईवे है जिस पे हम 120 तक गाड़ी दौड़ा सकते हैं, हालांकि मैं 100-110 ही चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट हमारी गाड़ी 100 से ऊपर लायक है नहीं एक्चुअली। तो अभी ये भी ध्यान रखना है कि गाड़ी कौन सी है। तो अभी बूंदी कोटा से पहले हमने मुंबई एक्सप्रेस वे छोड़ा है और यहाँ से हमने राइट लिया है, ये रास्ता गूगल मैप के अनुसार हमने लिया है, प्लस टोल टैक्स वाले से भी मैंने पूछा था कि भाई मैं पहली बार जा रहा हूँ तो बता दो। तो अभी एक्सप्रेस वे हमने एग्जिट कर लिया और हम लोग चल दिए हैं इस वाले हाईवे पे, अब देखते हैं कौन कौन सी सिटी मिलती हैं। सो अभी
कोटा से 130 किलोमीटर पीछे हैं। ये हाईवे भी अच्छा है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रोड है। और अभी देखते हैं कोटा से उदयपुर का कितना टाइम लगता है। तो अभी भाई हम राजगढ़ और नाहरगढ़ क्रॉस कर गए हैं, जो कि उदयपुर से लगभग 130-135 किलोमीटर पीछे है। हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं और सीधा होटल जाके सोएंगे। तो आज कुछ हम दिखाने वाले तो नहीं है, बट हाईवे की मैं कहूँगा कि मुंबई एक्सप्रेस वे जिसपे 120 की स्पीड आप चला सकते हैं, ये काफ़ी फास्टेस्ट रूट है, जो कि फास्टेस्ट एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, जिसको हम कहेंगे कि दिल्ली कनेक्टिविटी बहुत फास्ट और बहुत सेफ भी कहूँगा। अगर आप सही से ड्राइव कर रहे हैं, अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्पीड आपके सफ़र को मिलती है। तो ये जो है हमारा आज का सफ़र 2020 कोयड RXL बेस मॉडल से ये यात्रा हो चुकी है, जिसमें हम उदयपुर स्टे कर रहे हैं आज। नेक्स्ट हम करेंगे उसका भी एक ब्लॉग बना के आपको दिखाएंगे। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको इस हाईवे के बारे में पता है कि 120 की स्पीड आप इस पर चला सकते हैं, या भारत में कोई दूसरा ऐसा हाईवे है जहाँ पे 120 की स्पीड हम लोग चला पाएं।